हेलो भाइयों, राम राम सुबह की आप सभी को। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज तारीख हो गई 19 मई सन 2024 और सुबह के बजने वाले भाई 11:30। अभी भी हम घर से निकले, संडे का दिन है भाई इसलिए लेट निकले। आपको हम दिखा दें, ट्रिप ए को हमने जीरो कर लिया था, जो कि टाइम और किलोमीटर ये दिखा रहा भाई। ट्रिप ए को हमने जीरो किया, जो भी गाड़ी चलेगी आपको पता लगेगा। ईंधन वगैरह एकदम था नहीं भाई, CNG एकदम ख़त्म है, हालांकि पेट्रोल उस दिन हमने डला लिया था। तो भाई अभी क्या है, हमारे पास ऊबर की राइड आ चुकी है। ये देखो राइड है भाई, ये रही कुछ राइड जो कि इनको लेके जाना है भाई। इंटरसिटी की है, लखनऊ जाना है, IIM चौराहा। तो कस्टमर से बात हो चुकी है तो हमने बोला कि ठीक है भैया आते हैं, लेकिन CNG भरा के। तो CNG भरा के फिर फटाक से यहाँ से निकलेंगे और कस्टमर को पिक करेंगे। पिक करने के बाद सीधा लखनऊ निकल जाएंगे, फिर देखेंगे किस तरह से हम आते हैं। हालांकि ओला की उधर हमारी पेंडिंग में एक पड़ी हुई है, तो हो सकता है ऊबर से जाएं आज, ओला से आएं। कल गए थे भाई, ओला से गए थे, ऊबर से आए थे, आज ऊबर से जा रहे हैं, ओला से आएंगे, ऐसा संभवता मतलब अनुमान एक हम लगा रहे हैं। बकाया जो भी होगा आपको हम अवगत कराएंगे। 11:30 बजे गाड़ी निकाली है, अब देखते हैं आज शायद हम थोड़ा जल्दी आ जाएं, क्योंकि रोज के 9, 10, 11 तो बज ही जाते हैं रात के। साधारण सी बात, अब 11 बजे निकालें गाड़ी भाई 11:30 बजे, तो 12 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा कुल मिला के। सही है, और लाइन भाई लगी हुई है CNG के लिए। ये देखो CNG पंप है, गाड़ियां लगी हुई हैं पीछे तक, यहाँ तक नजर जाएगी, मतलब हैं 15-20 गाड़ियाँ। हमारा तो खैर इधर से अभी नंबर आ जाएगा, 2 गाड़ियों के बाद हमारा नंबर है। अभी एक गाड़ी वो भर रही है, गाड़ी फिर भरने के बाद निकल चलेंगे। और फिलहाल दोस्त का फ़ोन आ रहा है भाई, इनसे थोड़ा बात कर लें, अपडेट वगैरह हम आपको बाद में देंगे। तो बने रहिएगा भाई लगातार, कहीं भी वीडियो मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब हम बनाते हैं ना तो ओला उबर्स की अपडेट के बारे में भी बताते हैं। तो देखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, मैं अभी बताता हूँ। तो भैया कस्टमर के यहाँ आ चुके हैं पिकअप करने के लिए, पिकअप लोकेशन पर। इनको लखनऊ में IIM रोड जाना है, कस्टमर से बात हो चुकी है। ये सोसाइटी में सामने रहते हैं, नेपाली मंदिर के पास पे, नेपाली मंदिर वो सामने रहा भाई। और ये रहा कस्टमर का गेट, इसी इस कॉलोनी में अंदर रहते हैं। और इनको ले जाके IIM लखनऊ में जाके छोड़ना है, ऊबर की राइड है। इधर से ऊबर से जाएंगे, संभवतः उधर से ओला से लाएंगे, जैसा कि हमने पहले बता दिया है। फिर भी कोई चेंजेस होएगा तो आपको पता चलेगा हमारे इसी ब्लॉग में। तो ठीक है, बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पर भाई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उस तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। गर्मी बहुत भयंकर है भाई, गाड़ी हमने अभी स्टार्ट कर रखी, हाया की छाया में है, पेड़ की छाँव में आराम से लगाए हुए हैं। अब कस्टमर आएंगे यहीं से पिक करके सीधा निकल लेंगे, जैसा भी होएगा वहाँ पहुँचने के बाद आपको स्थिति का अवगत हम कराएंगे। हालाँकि जाम वगैरह बहुत लग रहा है और कल ही लखनऊ में चुनाव है, तो आज हो सकता है ट्रैफिक वगैरह कुछ ज़्यादा होगा। जैसा भी होगा आपको भाई बताएंगे। गाड़ी अभी हमारे सुबह से लगा के अभी तक 9 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, घर से अभी तक खाली की खाली पिकअप के स्थान पे आ चुके हैं। अब यहाँ से जो चलेगी वो भाई उसका हमें मिलेगा भाड़ा, क्योंकि अभी तक जो हमने चलाई है उसका पिकअप का भाड़ा नहीं मिलता। अब यहाँ से रीडिंग हमारी चालू होगी, जो भी जितना भी बिल बनेगा हम आपको अवगत कराएंगे। तो भाई जो भी हमारे चैनल पर लोग हैं छोटे छोटे से कमेंट करते हैं, कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ रहा हूँ उसका भाई सॉरी। पुराने वीडियो देख लेना आप लोग, तो सारे वीडियो के आपको कमेंट के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि लोग पूछते हैं कि भैया हमारा प्राइवेट लाइसेंस हम चला सकते हैं, नहीं चला सकते? बिल्कुल भाई चला सकते हो, ओला उबर में। ओला में तो बस लाइसेंस होना चाहिए 4 पहिए का, आप चला सकते हो। उबर में अगर आपकी उम्र 18 साल है, आपने लाइसेंस बनवा लिया, तो 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, 1 साल मतलब कम से कम 19 साल ड्राइवर की उम्र होनी चाहिए। लाइसेंस नया हो पुराना हो कोई मायने नहीं रखता, बस 19 साल से ड्राइवर की उम्र कम ना हो, ऐसा टर्म्स ऑफ कंडीशन है। बकाया आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी कमेंट के जवाब होंगे हम जरूर देंगे भाई। फिलहाल अभी वीडियो को यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं और नया अपडेट कुछ आता है तो बताते हैं भाई हम आप लोगों को, ठीक है? तो भैया अभी हम गाड़ी लिए खड़े थे, डिग्गी में पानी निकालने लिए उतरे, वैसे ही सर जी थे भाई, पानी लेके आए हुए थे, पी ले भाई। जंगली पक्षी है, हाल बेहाल है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। चलो सज्जन व्यक्ति थे, पानी रख के गए, शायद ये पी ले और इसकी जान बच जाए भाई। ये देखो बहुत बुरी हालत है भाई, हालांकि पानी नहीं मिलेगा, अभी पिएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा, देखते हैं भाई उड़ पाता है अभी कि नहीं उड़ पाता है।
फिलहाल तो अभी सही है, चोंच इसकी बेकार हो रखी है। देखते हैं कस्टमर जब तक नहीं आएंगे भाई तब तक इसकी देख रेख करेंगे। इसके भाई चोंच में लग गया है, कस्टमर भी हमारे आ गए। तो भैया आ गए हम लखनऊ, और लखनऊ में आने के बाद कस्टमर को IIM रोड पे एक कॉलोनी पड़ती वहाँ पे लाके हमने ड्रॉप कर दिया है। घर भाई देखो सारे एक जैसे बने हुए हैं, जैसे कॉलोनी होती है ना, लेकिन ये VIP प्राइवेट कोई कॉलोनी है भाई, या कोई अधिकारी वगैरह की जो है जैसे होते ना रेडी रेजिडेंस उस टाइप का है कुछ सिस्टम। पार्क वगैरह सब प्रॉपर है, बहुत ही अच्छा भाई बना रखा है। अब ये कौन सी जगह है IIM रोड पे भाई? अच्छा इनमें सिर्फ मकान नंबर लिखे हुए, पूरा एड्रेस कहीं भी नहीं लिखा हुआ है भाई। तो भाई बिल अपना मिल चुका है फटाफट, दिक्कत कोई है नहीं। अब कोई सही जगह देख के यार गाड़ी सोच रहा है यहीं पे थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर बुकिंग आने के बाद फिर कहीं निकला जाए भाई, क्योंकि यहाँ छाया वगैरह भी अच्छी है और दूसरी जगह पता नहीं छाया मिले कि ना मिले। जैसे कि वो है छाया वहाँ पे छाया सही है, देखते हैं कहीं सही जगह देख के भाई। पार्क वगैरह सब एकदम प्रॉपर, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ बना रखा है भाई, यार गजब है यार। चलो गार्डन बाय करके है ये एक सोसाइटी भाई, हमको जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलो यहीं पे खड़ी कर लेते हैं और फिर निकलेंगे बुकिंग आ जाने के बाद यहाँ से, तब तक हम यहीं पे करते हैं वेट बुकिंग आने का। गार्डन बाय करके कोई कॉलोनी है वहीं पे भाई खड़े हैं, बिल वगैरह मिल गया है और कितना क्या बिल मिला है ये तो आपको ब्लॉक के लास्ट में ही पता चलेगा, लेकिन भाई पता नहीं कितनी हल्की CNG थी। देखो भाई 119 किलोमीटर चली थी, मतलब 10 किलोमीटर अपने घर से गए थे, 110 किलोमीटर में भाई ईंधन देख लो आधी टंकी ज़्यादा खा गई भाई। इतने में तो आधा खाना चाहिए था लेकिन आधे से 2 पॉइंट और नीचे आ गई, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। गैस गर्मियों भाई उड़ा रही है क्योंकि फुल AC पे, हालांकि AC 2 नंबर पे ही चलाए थे, 2 नंबर पे ही हमारी शील्ड होती, देखो 2 नंबर पे ही अच्छी कूलिंग कर रही है और कस्टमर कंप्लेन नहीं करता है तो 2 नंबर पे ही चलाए थे, पर्याप्त ठंडी थी। तो अब यहीं खड़े होकर वेट करते हैं, जैसे कोई बुकिंग आती है फिर बताते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो बने रहिएगा भाई ब्लॉग में। भाई बुकिंग तो बज रही लेकिन ये जहाँ तक फर्जी होगी हमारे हिसाब से, हालांकि एक्सेप्ट हो गई है। पिपरी गांव जाना है भाई इनको 112 किलोमीटर, 2224 रुपये इसमें दिख रहा है भाई। और पिकअप का समय देखें भाई, पिकअप का समय 3:15 तुरंत का है भाई। अच्छा लोकेशन देखें कितनी दूर है हमसे, ये नेविगेशन लगाएं भाई, नेविगेशन लगाने के 16 किलोमीटर दूर है भाई, 9:15 हम पहुंच ही पाएंगे। अब इससे कि यार कस्टमर भनभनाए लेट लपेट हो, हम पहले हम कस्टमर से करेंगे बात और उसके बाद फिर फटाफट यहाँ से निकलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई। कस्टमर हो सकता है वेट कर रहा हो, आज काम वैसे भी कम है क्योंकि कल यहाँ चुनाव होने वाले हैं। इस समय हम लखनऊ में IIM रोड या चौराहा जो भी मान लो कोई कॉलोनी पड़ती वहाँ पे हैं हम, अभी बुकिंग आ चुकी है, कस्टमर से फटाफट बात करते हैं भाई। 1 वे कैब में भी बुकिंग आ रही, गजब भाई, आई तो दोनों में आ गई यार। चलो अच्छा इसमें देखें अच्छा क्या दिखा रहा है, फेयर वगैरह इसका देखें भाई, भाई फेयर बहुत कम दिखा रहा है, 1,000 रुपये। और इसका पिकअप भी है भाई जो तुरंत का है भाई, डोमिनोज पिज्ज़ा IIM रोड यहीं पास से है, लेकिन हम जाएंगे नहीं भाई इतने कम रुपए में। ओला की राइड आ चुकी, ओला की राइड में कस्टमर से करेंगे बात, उसके बाद फिर निकल जाएंगे, ठीक है ना भाई। 1 वे का पैसे बहुत कम देता है, चलो जब नहीं मिलती कोई ना हो तो कोई ना कोई लेके चले जाना चाहिए, उसकी बात दूसरी, लेकिन अभी क्या है हमारे पास बुकिंग आ चुकी है तो पहले करते हैं कस्टमर से बात। और बात करने का तरीका भाई आपको दिखाते हैं, 16 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है 28 मिनट की दूरी। अब कस्टमर से बोल देंगे आधा घंटा लगेगा पूजा मैडम से, ठीक है ये देखो ऐसे किया बस ये जाने लगी बिल भाई।
ऐसे स्पीकर को फ़ोन पर डालेंगे, फ़ोन को स्पीकर पर डालेंगे और करेंगे बात। अगर जेन्युइन बुकिंग होगी तो यही बुकिंग लेके निकल जाएंगे, जैसा भी होएगा बताएंगे भाइयों आपको। फिलहाल बेल जा रही है, बात कर लेता हूँ उसके बाद फिर वीडियो शूट करूँगा भाई। तो भैया बता दें वो बुकिंग तो कैंसिल हो चुकी थी, उनको ज़्यादा जल्दी थी, 12 किलोमीटर की दूरी थी, बोला था मैंने लगभग 25 से 30 मिनट लगेंगे, लेकिन उनको तुरंत 15 मिनट में गाड़ी चाहिए थी, उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी। फिर मैं भाई बैठा रहा लगभग 1.5 घंटे बाद फिर दूसरी बुकिंग आई, खादरा से पिकअप है और प्रताप होटल अपने यहाँ नमस्ता या बर्रा के आसपास कहीं छोड़ना है। तो फिलहाल मैं पिकअप के लिए निकल चुका हूँ, मैडम से बात हो चुकी है, बोले ठीक है भैया आ जाइए पक्का तालाब के पास। मैं तो पक्का तालाब भाई जानता नहीं हूँ, तो मैडम से मैंने बोल दिया कि मैडम मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, तो बोले कोई बात नहीं आप लोकेशन जहाँ तक आपके पास है आप चले आइए और फिर मेरे से आप बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। चलो ये भी अच्छी बात है भाई। तो फिलहाल तो मैं निकल चुका हूँ। ये भाई बहुत बड़ी सोसाइटी है भाई, सुकोटी बूथ नंबर 4 यार, पूरा का पूरा जो है। चलो अच्छी बात है, बहुत बड़े एरिया में बसा रखी है, जैसे हमारे कानपुर में न्यू कानपुर सिटी बसने वाली थी उसी टाइप का जो है इसको बसा है बहुत अच्छे तरीके से। देखो ये है भाई मेन गेट, यहाँ से हम इधर निकलेंगे, यहीं से एंट्री किए जब यहीं से जाएंगे बाहर, और बाहर का हम आपके गार्डन बाय करके हैं। अब भाई देखो रैपिडो बुकिंग आ रही है, मैं सोच रहा था भाई कि कोई बुकिंग जो है आएगी एयरपोर्ट की साइड की तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो बुकिंग तो एयरपोर्ट साइड की नहीं आई, अब आ रही है वो भी कहीं दूसरी जगह की, तो कोई बात नहीं। मैं तो भाई फिलहाल यहाँ से फटाफट मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो चुका है। ये रहा भाई सोसाइटी जो है यहाँ पे, लोकेशन पैक करके दिखा रहा है लेकिन बैक में नहीं जाऊँगा, यहाँ से चलूँगा अंदर की साइड में भाई, इनको बंद कर दूँगा नहीं तो ये जाम खाते रहेंगे। अरे चलो पास से है यार यू टर्न, आगे मारने से अच्छा यहीं से थोड़ा सा राउंड निकाल लेता हूँ, है ना इतने में। हालांकि गलत नहीं चलना चाहिए, रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं मैं निकल आया हूँ। अब भाई यहाँ से दूरी जो हमारी दिखा रहा है पिकअप का, ये देखो 8.8 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं तो देख लेता हूँ भाई। भाई मैं काफ़ी समय से आ जा रहा हूँ लेकिन ग्रीन कॉरिडोर से पहली बार जा रहा हूँ भाई, देखिए क्या ही लुक है भाई, पूरा लखनऊ यहाँ से दिखता है भाई, गजब की रोड बना रखी है। अब ये स्टेचू बना रहे हैं, पता नहीं भाई किसका स्टेचू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है क्या है, अभी फाइनल टच नहीं दिया है, जो भी होंगे फिर बाद में पता चले। दो स्टेचू बना रहा है भाई, एक लगभग बन के तैयार हो गया है और दूसरा अभी बना रहा है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड बना रखा है भाई। अरे भाई क्या ब्रेकर दे रखा है यार भाई, ग्रीन कॉरिडोर जो बना रखा है गजब का बना रखा है। चलो फिलहाल फटाफट पार करते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं फिर निकलते हैं। तो भैया बता दें हम वापस आ चुके हैं कानपुर, और जो हमारी ट्रिप थी उनको हमने ड्रॉप किया था, ये प्रताप होटल पड़ता है यशोदा नगर बाईपास के पास में, वहाँ ड्रॉप करने के बाद एक लोकल की राइड लेके सीधा मैं विष्णुपुरी आ गया, मतलब हमारे घर की साइड में बिगर गोटू लगाए। तो आपको हम फेयर दिखा दें भाई, जो हमारा फेयर आया हुआ है भाई, फेयर तो बहुत ही गजब का है, गए उबर से थे और आए ओला से हैं, जो फेयर है वो हम आपको दिखाते हैं भाई। खुल जा सिमसिम भाई, 1803 रुपये एक राइड का, ये देख लो भाई। अब ये इतना क्यों बन गया उसका कारण मैं बता दूं, ये उबर की राइड है भाई, खुल जा सिमसिम ये देख लो भाई, जिसको यकीन ना हो विथ डिटेल के साथ में मैं दिखाता हूँ विथ प्रूफ के। और इतना पैसा कैसे आता है, कब कब आता है, ओला में भी आता है उबर में भी आता है, मैं दिखा दूँ अपने कानपुर की कहानी है भाई। ये देख लो 1803 रुपये 58 पैसे हमको मिले हैं, इंटरसिटी है 19 मई, ये देखो डेट वगैरह सारा कुछ है, 11:22 जो हमने पिकअप किया था, और इनको उठाया है कैलाश विहार कल्याणपुर कानपुर, और ड्रॉप किया अननेम रोड अली नगर यूपी,
ठीक है, IIM जो बोलते हैं ना उस रोड पे हमने ड्रॉप किया था भाई। और जो दूरी है 108 किलोमीटर 2 पॉइंट, जो समय लगा था 2 घंटे 25 मिनट, ये और टोटल बिल बना था 1914 रुपये। आप लोग देख सकते हो कैसे कलेक्ट किया हमने। तो कंपनी ने जो हमको दिया है वो हम बता दें, इतना ज़्यादा बिल क्यों दिया है वो भी बता दें भाई। मात्र 108 किलोमीटर का, वो भी सिर्फ इंटरसिटी थी, गो इंटरसिटी नहीं है ना ही सेडान इंटरसिटी, अगर वो होता तो और भी ज़्यादा आता। तो ये उस सिचुएशन में बिल भाई ज़्यादा आता है। जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, हमारे यहाँ अगर जो IIT या कल्याणपुर के आसपास कोई पिकअप होता है तो जब इधर कहीं जाम लगा होता है ना, नवाबगंज उन्नाव या फिर जो है बनिया के आसपास, तो वो रूट ले लेता पीछे से जो हाईवे गया हुआ है, जो लखनऊ से आगरा के लिए हाईवे गया है, तो वो जोड़ता है जाके सिराजपुर के आगे से अरौल, अरौल से ऊपर चढ़ाएगा फिर वो लखनऊ उतारेगा जाके। तो उधर जब हमने पिकअप किया था 150 किलोमीटर दूरी दिख रही थी। अच्छा, हम तो बहुत पुराने भाई, कई सारी राइड ऐसे कर चुके हैं, ओलम भी इसी तरह आती हैं और ऊबर में भी इसी तरह आती हैं। अब 150 किलोमीटर ड्रॉप लोकेशन हमारा दिख रहा था, मैं समझ गया था भाई कि अच्छी बुकिंग है ये। एक्सेप्ट करने के बाद फिर तो मैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तो मैं जाऊँगा नहीं, मैंने शॉर्टकट अपनाया तो 108 किलोमीटर चली है यही अपना गंगा बैराज रोड होके उन्नाव होके और बनी बंथरा होते हुए उधर जाके मैं निकला था। तो भाई ये कुछ हिसाब किताब है। उधर कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद ये बिल आया, चाहे ओला का हो चाहे उबर का हो, उधर से रास्ता दिखा देता है कभी कभी। ऐसे ही जब कभी हम उधर से पिकअप करते हैं लखनऊ से, और पिकअप पॉइंट जो होता है उधर जो है IIM चौराहा की तरफ या फिर सीता रोड पे पिकअप हो और ड्रॉप हमारे यहाँ IIT कल्याणपुर इस साइड का हो, तब भी लोकेशन उधर से ले लेता है, बिल भाई बहुत तगड़ा आता है। हम जरूर शॉर्टकट अपनाते हैं, पैसे कम, मतलब गाड़ी कम चलती है, लेकिन बिल पूरा कंपनी वही निकालती है। तो भाई ये तो हो गई उबर की कहानी, जो कि 1800 रुपये का हुआ है भाई एक ही बुकिंग में। और भाई उबर का हम दिखा, ओला का दिखा दें, सॉरी, दो राइडें की हैं भाई और दो राइडों में 1800 रुपये इसका भी हो गया भाई, ये देख लो। और जो दो राइडें हैं वो भाई मैं आपको दिखा दूं, छोटी छोटी सी हैं। हाँ भाई डिटेल आ जा, ये दो बुकिंग हैं भाई, 155 जो कि हम लोकल किए थे और 1578 रुपये। ये देखो 94 किलोमीटर गाड़ी चली है, 2 घंटे 26 मिनट का समय लगा है। तो ये कुछ हिसाब किताब है भाई, ठीक है। दोनों ही राइडें मैंने दिखा दी, ये देखो राइड है भाई, ठीक है, ओला की दो राइडों में 1800 रुपये, और उबर का भाई ये रहा एक ही राइड में 1800। तो 18 और 18 हो गए 3600। 3600 रुपये में खर्चा भाई, सिर्फ बचत का 2000 निकालेंगे जैसा कि हमारा टारगेट है, और उसके ऊपर जो भी अमाउंट बचा है वो हम खर्चे में डाल देंगे। आपको हम दिखाते हैं जो हमारी गाड़ी चली है सुबह से अभी तक 3 राइडों में 236 किलोमीटर। भाई आज का फेयर बहुत ही तगड़ा बना और समय हुआ है 8, ईंधन वगैरह कुछ इतना बचा है भाई, देख सकते हो। तो कुल मिला के आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।